नमस्कार सभी मेरे YouTube फॉलोवर्स को और आपका हार्दिक स्वागत है अरविंद के चौधरी YouTube चैनल में। और मैं हूं अरविंद चौधरी। दोस्तों, जैसे कि कल के ट्रेडिंग के वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट और ज्यादा गिरेगा और गैप डाउन भी खुलेगा, जबकि मार्केट में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि गैप अप जाएगा, जबकि मैंने क्या कहा था कि रिसेशन का पीरियड है। आज क्या हुआ दोस्तों, देखते हैं आज के ट्रेडिंग कैसा रहा और किस तरीके से मार्केट खुला और हमने कैसे उसको कैप्चर किया और हमने क्या अर्निंग की। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के बैंक निफ्टी की। जैसे कि मैंने कल बताया था कि रिसेशन का दौर स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए गैप डाउन खुला, 43,150 के आसपास मार्केट खुला और 43,000 को भी क्रॉस करके 42,960 तक मार्केट गिरा। उसके बाद यू टर्न मारा मार्केट ने और 43,400 का के ऊपर जाके सस्टेन करने लगा। और ये इस तरीके से मार्केट में आज इतनी ज्यादा वोटिलिटी थी क्योंकि आज फाइनेंस निफ्टी की क्लोजिंग भी थी। दोस्तों, आज हमने सबसे पहले जो कॉल ली थी वो 42,800 की ली थी, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिसमें हमने 3,892 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। सेकंड कॉल हमने दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की ली, जो 19,100 की पुट ली थी, जिसमें 1,580 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। थर्ड कॉल हमने निफ्टी की 18,100 का पुट लिया था, जिसमें हमने 335 रुपए का प्रॉफिट किया। ये सारे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरीके से टोटल हमने 5,807 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। दोस्तों, अभी मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूं, देखिए कैसे मार्केट के अंदर मार्केट गैप डाउन खुला और 42,960 तक गया और यू टर्न लेके वापस 43,400 तक आ गया। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, लोग बुलिश मानते हैं, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं ये रिसेशन का दौर है, मार्केट अभी और डाउन जाएगा। अभी आपको जो ट्रेड कर रहे हैं वो संभल के करिए। आप जितनी भी ट्रेड करें, आप उसमें चाहे 2 रुपए कम प्रॉफिट बनाए, लेकिन आपका पहला टारगेट आपका प्रिंसिपल सेफ होना चाहिए। दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस नहीं हूं, मैं मेरी जो नॉलेज है उससे मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें। तो यदि आपको भी इससे रिलेटेड कोई भी चीजें जाननी है, कुछ और समझना है, तो आप मुझे कॉल SMS कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।